अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त पाकिस्तान के ट्विटर के ऊपर चार ट्रेंड चल रहे हैं और पहला है कुबरा खान का, फिर है महविश हयात, फिर है मायरा खान और फिर है सज्जल अली। ये चारों पाकिस्तान के ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड कर रही हैं। अदाकाराएं हैं, मॉडल्स हैं और शोबिज़ से ताल्लुक रखने वाली पर्सनैलिटीज हैं। पाकिस्तान में मीम्स की सूरत में या मुख्तलिफ लोग पूछ रहे हैं कि असल में इनकी कहानी क्या है, हुआ क्या है। लोग चारों की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि जिसे इनके बारे में नहीं पता, स्टोरी का नहीं पता, वो बहुत ज्यादा मासूम है। असल में हुआ क्या है? हुआ यह है कि मेजर आदिल राजा साहब इस वक्त सेल्फ एक्साइल में, बल्कि पाकिस्तान में उनके ऊपर बेशुमार केसेस किए गए और रिजीम चेंज के बाद उन्हें पाकिस्तान छोड़कर बर्तानिया जाना पड़ा। इस वक्त वो बर्तानिया के अंदर मौजूद हैं और बर्तानिया से होकर पाकिस्तान में जो रिजीम चेंज के कॉन्स्पायरेटर्स थे, पाकिस्तान में रिजीम चेंज जिन्होंने की है उनके फैसिलिटेटर्स के हवाले से बड़ी खुलकर बातचीत करते हैं और उनके मुताबिक एक हसास्त्रीन इदारा, जाहिर है वो मेजर हैं और पाकिस्तान के एक प्रोमिनेंट इदारों के हवाले से वो कहते हैं कि उनके अंदर से कुछ खुफिया मुजाहिद यानी खुफिया लोग उन्हें इंफॉर्मेशन देते हैं और तमाम तर इंफॉर्मेशन उनके पास इदारों के अंदर की मौजूद रहती है। उन्होंने एक वीलॉग किया और उस वीलॉग में उन्होंने बड़ा खुलकर कहा कि पाकिस्तान की चार अदाकाराएं और उन अदाकारों के इन्होंने नाम नहीं लिए, उनके सिर्फ इनिशियल्स लिए हैं कि पहला हर्फ क्या है, दूसरे नेम का पहला हर्फ क्या है, वो सिर्फ पहले पहले हर्फ लिए हैं। लेकिन वो जो पहले हर्फ लिए हैं उनसे तासुर यह बन रहा है कि वो कुबरा खान के थे, वो महविश हयात के थे, क्योंकि उन्होंने मीम और हे हयात के बारे में कहा और मायरा खान के हैं, फिर सज्जल अली, इन चारों के। ऐसा महसूस हुआ जैसे नामों के इनिशियल्स उन्होंने लेकर कहा है कि ये चारों पाकिस्तान की जो मॉडल्स हैं ये कुछ इदारों के जो टॉप कमांड थी उनके सेफ हाउसेज में जाती थी और वहां पर सारे इनके साथ वो एंजॉय करते थे या प्राइवेट टाइम गुजारते थे, बहरहाल जो भी करते थे वो तो उनका जाती इस्तेकाक है, और ये जाती थी और वहां पर माहौल गर्म होता था और ये सारा दे सेलिब्रेट विद ईच अदर या जो जो करते थे वो आप मुझसे ज्यादा समझदार है। उसके बाद ये ट्विटर के ऊपर ट्रेंड बन गया जब से इन्होंने ये बात की है। इन्होंने कहा कि मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि चारों अदाकाराएं वहां पर जाती रही हैं और इनके साथ कुछ ना कुछ वहां पर सेफ हाउसेज में होता रहा है, और इसके लिए उन्होंने कुछ इदारों के टॉप कमांड को बाकायदा से मुखातिब करते हुए कहा कि उनके साथ इन अदाकाराओं की वीडियोज मौजूद हैं और वो वीडियोज आने वाले टाइम में मंजरेआम पर भी आ जाएंगी। इसके ऊपर रिएक्शन आया है। इनिशियली तो ये अदाकाराएं खामोश रही लेकिन उसके बाद इन्होंने रिएक्ट किया है। कुबरा खान लिखती है, आई स्टेड क्वाइट इनिशियली Because obviously a fake video is not going to take over my existence, but enough is enough. इन्होंने कहा enough is enough जी, मैं पहले खामोश रही लेकिन चूंकि इतना रोला मच गया है कि अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब जो मेजर आदिल राजा हैं, मिस्टर आदिल राजा आपके पास 3 दिन है, 3 दिनों के अंदर जो आपने बात की है इसके प्रूफ लाएं, नहीं तो मैं भी बर्तानिया की शहरी हूं और मैं बर्तानिया के अंदर आपको सू करूंगी डेफेमेशन के चार्जेस के ऊपर और आपसे हर्जाना वसूल करूंगी और आपको पब्लिकली आकर माफी मांगनी पड़ेगी हमसे। उसके बाद सज्जल अली लिखती हैं, इट इज वेरी सैड दैट आवर कंट्री इज मॉरली डीबेस्ड एंड अगली, करेक्टर असैसिनेशन इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमैनिटी एंड सिन। इन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि पाकिस्तान बड़ा मुश्किल हो गया यहां पर रहना और पाकिस्तान के अंदर किसी की भी करेक्टर असैसिनेशन आप बड़े खुलकर कर देते हैं। इसके ऊपर मेजर आदिल राजा साहब का आज मैंने इंटरव्यू किया और उनका मौकफ यह है कि मैंने जिन चार अदाकारों के इनिशियल लिए हैं, ऐसी बेशुमार अदाकाराएं पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं जिनके नामों के इनिशियल्स यही हैं, यानी कि उन्होंने कहा कि सीन और अलिफ, जिसे यह तासुर लिया गया कि सज्जल अली हैं, जिस तरह उन्होंने कहा कि मायरा खान के बारे में एम और के उन्होंने कहा जो इनिशियल्स हैं, मायरा खान इसे बना, मैं भी शायद के बारे में MH कहा और इस तरह से कुबरा खान के बारे में उन्होंने के कहा, तो इससे ऐसा तासुर उभरा कि उन्होंने इन चार खवातीन को, इन चार एक्ट्रेसेस को नॉमिनेट किया। लेकिन मेजर साहब का स्टांस यह है कि भाई जिसको जो गेस करनी है बेशक करता रहे, लेकिन मैंने किसी भी अदाकारा को नॉमिनेट नहीं किया, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता था, मेरी खुद की ग्रूमिंग इजाजत नहीं देती थी, लिहाजा मैंने इनिशियल्स लिए हैं और इनिशियल्स इसलिए लिए हैं ताकि ये अदाकाराएं अपनी हिफाजत कर लें, प्रीएम्प्टिव मेजर्स ले लें, क्योंकि इनकी वीडियोज किसी इदारे के टॉप कमांड के साथ मंजरेआम पर आने लगी है। ये मेजर आदिल राजा का क्लियरली मौकफ है और वो इस चीज के ऊपर बाकायदा से स्टैंड करते हैं। अब ये उसके बाद ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड बनी हुई है और बहुत ज्यादा डिस्कस हो रही हैं। और महविश हयात, जब आपको याद है कि जब उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने अवार्ड दिया था और उसके बाद भी बड़े संजीदा सवाल उठे थे कि महविश हयात को आखिर किस मद में, उनसे बहुत बेहतर एक्ट्रेसेस मौजूद थी, उनसे बहुत बेहतर अदाकाराएं मौजूद थी, लेकिन किस मद में उन्हें अवार्ड दिया गया था। बहरहाल वो तो एक अलग ही कहानी है, लेकिन रियलिटी इज ये कि मेजर साहब ने यही बात की, उसके बाद ये ट्रेंड बना और उसके बाद ये उनका रिएक्शन आया है। डेवलपिंग स्टोरी है, जो भी अपडेट होंगी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।